पहला चुनाव है जब कांग्रेस इतिहास में कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाई और बहनों, कांग्रेस और उसके साथियों की ये स्थिति क्यों हुई है? इसका सीधा जवाब है विश्वसनीयता का संकट। वंश और विरासत से आपको एक कंपनी की कमान तो मिल सकती है, लेकिन चलाने के लिए विजन कहां से लाओगे? कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इनके पास सिर्फ नाम और दाम का ही विजन है। यही कारण है कि झूठ और प्रपंच की राजनीति इनके लिए वजूद बचाने का एकमात्र जरिया बन गई है। साथियों, इनका इरादा बिहार की सेवा करने का नहीं है, देश के लोगों की सेवा करने का नहीं है। ये खुद को सेवक नहीं, लोकतंत्र का नया महाराजा समझते हैं। इसके लिए चाहे कानून व्यवस्था को बर्बाद करना हो, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाना हो, जनता के पैसे लूट लेना हो, किसी भी हद तक जाकर झूठ बोलना हो, अफवाह फैलाना हो, इन्हें कोई संकोच नहीं होता है, उनको शर्म ही नहीं आती है। साथियों, समाज में भेद पैदा करने के लिए बरसों से आरक्षण के नाम पर झूठ फैलाने की फैशन हो गई है, और कुछ लोगों को तो सुबह शाम ये झूठ बोले बिना खाना ही हजम नहीं होता है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, हमारे नीतीश जी सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री थे, उस समय थारू समाज को उनका हक दिया था, और वर्तमान एनडीए सरकार ने गरीब परिवारों को 10% आरक्षण दिया है। हमने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया, वो भी किसी दूसरे का हक छीने बगैर। भाइयों बहनों, ये लोग कैसे हैं मैं बताता हूं। इस देश में जब भी आरक्षण का मुद्दा आया, समाजों को तोड़ा गया, आत्मदहन हुए, लोगों के घर जलाए गए, एक दूसरे को लड़ाया गया और अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहे। इस देश में पहली बार हुआ कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण आया, न कोई आग लगी, न कोई संघर्ष हुआ, न किसी समाज का माथा फूटा, न किसी को जेल जाना पड़ा। भाईचारे के साथ सबने अपना अच्छा काम हुआ इस भाव से लिया। भाइयों, देश की एकता के लिए ऐसे काम किया जाता है। आप देखिए, जब अटल जी की सरकार थी, नीतीश जी मंत्री थे, तब अटल जी ने 3 राज्य बनाए, बिहार में से झारखंड बना, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना। ये तीनों नए राज्य
प्यार से अलग हुए, झारखंड बना तो बनने के बाद भी बिहार ने उसको उतना ही प्यार किया, झारखंड ने बिहार को उतना ही आदर दिया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को उतना ही प्यार दिया, छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश को उतना ही आदर दिया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड को प्यार दिया, उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश को आदर दिया, लेकिन देश को तोड़ने की मानसिकता वालों ने आंध्र और तेलंगाना का विभाजन किया। इतनी लड़ाइयां हुई, आज उस बात को 5 साल हो गए, आज भी तेलंगाना आंध्र दोनों तेलुगु भाषा बोलते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा जहर के बीज बोए हैं कि एक दूसरे के सामने देखते नहीं है। क्या ये रास्ता देश के लिए उचित है? क्या क्या देश ऐसे चलेगा? क्या भाई से भाई को मरवा के कुर्सियां पकड़ी जाती है क्या? भाइयों बहनों, हम देश की एकता के लिए निकले हुए लोग हैं, जाति पंथ से परे, अरे दल से भी परे, हमारे लिए देश सबसे पहले होता है। भाई और बहनों, विचार और विजन से दिवालिया हो चुके ये महामिलावटी लोग गरीब के साथ, आदिवासी के साथ, किसान के साथ धोखे का जो खेल खेलते हैं, उससे सावधान होने की जरूरत है।